साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को बिना उनकी गलती बताए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। ए मनुवादी व्यवस्था के लोग ए अपने मन का कर रहे हैं। साथियों, कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में दर्जा नहीं दिया जाता था, उनका नाम नहीं लिखा जाता था। अगर किसी तरह से नाम लिखा गया तो घर से बोरा लेकर के आते थे, बैठने के लिए उनको बैठने नहीं दिया जाता था, घड़े का पानी नहीं पिया दिया जाता था। लेकिन लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को स्कूल में नहीं एडमिशन हुआ। आप जानते हैं कितना संघर्ष करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा और लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला गया है। तो लक्ष्मण यादव संविधान 2 लिखेंगे। चार लाइन भूमिका में कहना होगा, ज्योति जिगर में चली, जो पिलोहिया अंबेडकर बने वीर बंका, और घोल ने जब लगे जातिवादी जहर, देश में लक्ष्मण यादव बजाए हडंका। साथियों, अगर पूर्वांचल से आजमगढ़ गाजीपुर का इतिहास ढक दिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास अधूरा नजर आता है। अरे मनुवादी, कान खोल करके सुन लो, एक लाइन है कव्वाली टुकड़ा लगल मास्टर। बा बा बड़ा सुंदर कव्वाली का टुकड़ा हमारे कवि जी राम नरेश मौहारी जी लिखलन। कहलन जेपी को उन्होंने नई डाल दे, हम कली नहीं, ई न तो कबो पुरान भइल अ न तो कबो पुरान होई। बड़ी सुंदर कव्वाली का टुकड़ा है। का टुकड़ा बा मास्टर? अरे तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, तेरे दरबार का चल के करीना, और क्या बात है, और तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे, अरे करीना हम भी देखेंगे, अरे अगर मरी जी हुई मालिक की मदीना, अरे हम भी देखेंगे, अगर मरी तक कव्वाली रहल। लेकिन बड़ी सुंदर भाव के अंदर कवि जी लाइन लिखलन। का लाइन बा? अरे अगर पिछड़ो दलितों के, अरे अगर पिछड़ो दलितों के दिलों का मेल हो जाए, अगर Yeah.
अरे दिलों का मेल हो जाए, अरे दिलों का मेल हो जाए, अरे कसम से, अरे कसम से जुर्म की आधी धरा पर फैल हो जाए। हमारे कहानी के शुरुआत बा एक एक लाइन पे गौर करिहन। ये कहानी हो कहाँ को, ये हो कैसन कहना हो का। बाबू हो बात के समझला, कहानी कहाँ कबा, आजमगढ़ जिला बैठौली गांव। बाबू शिव नारायण यादव जी, माई का नाम दुर्गावती, दो भाई बाटन, साकेत यादव और लक्ष्मण यादव, एक थे बहिन बाटी नीलम। कहानी का शुरुआत हो गई। लक्ष्मण यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एमए करने के बाद तुलसीदास पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके डॉक्टर लक्ष्मण यादव बन गए। 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। तो हुआ क्या, एक लाइन मास्टर यहाँ टे गीत लगे, वह गीत के लाइन बा। दुल्हनिया फोन लगा के अपने दुल्हा के बोलावता, कहत थियो का कहलस, अरे कहिया घरे अइबा झुमका बोलावता, झूलनियो बोलावता, बोलावता। लेकिन लक्ष्मण यादव आज शिक्षा की ज्योत जलाने के लिए निकल पड़े हैं, तो कहना होगा शिक्षा का ज्योति लक्ष्मण, जौने समय लक्ष्मण यादव प्रोफेसर बन गए वो समय का भाव है कवि जी लिखत हवन। शिक्षा का ज्योति लक्ष्मण यादव जलावेला,
आईएस पढ़ावे और किसी अंत पढ़ावे ना। अरे जाकिर हुसैन जाके जाकिर हुसैन जाके लक्ष्मण पढ़ावे लोहिया अम्बेडकर करके लोहिया अम्बेडकर करके सपना सजावे चलावे ना आईएस पढ़ावे और पीसीएस पढ़ावे ना। बाबू हो गौर करेंगे लक्ष्मण यादव दिल्ली मुखर्जी में रह करके 14 साल तक विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन विद्यालय में पढ़ाए। 6 दिसंबर सन 2023 को बिना उनकी गलती बताए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को उनके पद से प्रोफेसर पद से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। ए बाबू वो समय पूरे देश में हाहाकार मच गया। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से डॉक्टर लक्ष्मण यादव आवाज देते हैं। क्या आवाज दिए मास्टर? दुल्हनिया सुन ले हा कि हमार बलमुआ जात हम कलकत्ता कमाए। लोग बतियावे ला कि कलकत्ता में जादूगरनी होली कुल मतिये मार ले ली। जौने समय जाए लगल वो समय जाके अपने दुल्हा के पकड़ ले लस। अब पकड़ के यह बतिया कहत थियो का कहलस? अरे जनी जा अरे जनी जा कमाए मतिया राजा मार दी सवतिया मतिया राजा। अरे वो थवा के लाली कनवा के बाली सुन भाई ना की के नथिया राजा। जनिजा कमाए कलकतिया राजा मार दी सवतिया मतिया राजा। जेपी यादव को संदेश हो कान खोल करके सुन लीजिए। कहना हो का कहना बा? अरे कैसे कैसे कमली आया जदिया बाबू घर मन मानी मनु बदिया बाबू।
अब से भी जाग जा लोगन, आँख खोलला, आँख खोल के देखला ये का होत बा पूरे देश में। अब से भी जागा और डर के ना भागा, नहीं तो होई पर बदिया बाबू। अरे अब से भी जागा और डर के ना भागा, नहीं तो होई पर बदिया बाबू। कैसे कमीनी आया जदिया बाबू, घर मन मानी मन बदिया बाबू। मनमानी चरम सीमा पे बा, केहू के नौकरी से निकाल देवल जात बा, केहू के घर से निकाल देवल जाई, पूरे देश से निकाल देवल जाई, ये अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आप अब से भी 85 के लोग अब से भी जाग जाओ। कहना होगा कैके पढ़ाई लड़ा तू लड़ाई, लक्ष्मण यादव कह समझाई। एकता बनावा सिनेमा फुलावा, मनुवादी के शक्ति देखावा। अखिया तू खोला जय भीम बोला, जय हडेराई मनु बदिया बाबू। अखिया तू खोला जय भीम बोला, जय हडेराई मनु बदिया बाबू। कैसे कमीनी आया जदिया बाबू, कर मन मानी मनु बदिया बाबू। साथियों, लक्ष्मण यादव पूरे समाज को एक नया संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो बिरहा में टेरी लगल कहना होगा, अरे ललकारा आजमगढ़ का शेरवा, अरे ललकारा आजमगढ़ का शेरवा, अरे सत्ता दहल गई जब लगा देश में नारा। ललकारा आजमगढ़ का शेरवा, सत्ता दहल गई जब लगा देश में नारा। कहाँ लक्ष्मण यादव लटक रही जवानियां, अरे कहाँ लक्ष्मण यादव लटक रही जवानियां, रोटी रोजी के लिए भटक रही जवानियां। देश के जवाने अब उछाल दो जवानियां, बल के देश भक्त सख्त ढाल दो जवानियां। शिक्षा का ख्याल नहीं हो, गेहूं चाउर दे के भुलवा जात हो, ला ही राशन पे टूटा लोगन। स्वास्थ्य का ख्याल नहीं हो, शिक्षा का ख्याल नहीं हो, अगर कोई 85 के लोगों को जगाने का काम कर रहा है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर लक्ष्मण यादव रह गया तो ना जाने कितने लोगों को प्रोफेसर बना देगा। अय मनुवादी विचारधाराओं के लोगों कान खोल करके सुन लो, लक्ष्मण यादव एक नहीं हजारों लक्ष्मण यादव पैदा कर चुके हैं ये बाबू। पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, छात्र नेता, तमाम लोग लक्ष्मण यादव को आवाज देते हैं कि आ लक्ष्मण यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मण यादव नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लक्ष्मण यादव अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। तो कहना हो एक लाइन यहाँ, फिर गीत बदलील मास्टर भैया। कौनो दुलही
दोनों लड़की बा अपने ससुरा से जब अपने नैहर आयल तो ओकर साखी पूछा लगल, ए साखी अपने तनी ससुरा का हाल चाल बतावा, तो उ लड़किया अपने साखी से बतावत थियो का बतौल मास्टर भैया। अरे सिधवा साखी मोर सजनावा, आप लोगन के मनोरंजन बदे बाबू, लेकिन गौर करेंगे लक्ष्मण यादव जगह जगह जम सभा में कहने लगे, क्या कहने लगे, देशवा में मच गयल तूफानवा, अरे लक्ष्मण यादव कैले अलनावा, कता कबार यही तू चुमन पे सादा लेके संगा थानावा, अरे लेके संगा थानावा कफनवा सर पे पाधा, लेके संगा पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। लक्ष्मण यादव जहां जहां जनसभा में जाने लगे बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, लोहिया साहब जी के, पेरियार साहब जी के बताए हुए कदमों पर चलने लगे। यही कारण है कि मनवादियों को देखा नहीं गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूरे भारत के 85 के लोगों को जिस दिन जगा देगा, उस दिन हम लोगों को सत्ता नहीं मिल पाएगी। यही सोच करके लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया। लेकिन कहना हो, संदेश हो, का संदेश बा, कर जातिवादी बड़ा खेलाए बाबू हो। गौर करेंगे पूरे देश के कोने कोने से आवाज आने लगी। क्या आवाज आने लगी मास्टर भैया, पहपट में कहना हो। पूरे भारत के कोने कोने से यही आवाज आ रही है। गौर करेंगे क्या आवाज है। अरे कलयुग में, अरे कलयुग में बन जा तू कुंवर कन्हैया लक्ष्मण भैया हो, अरे मनुवाद से खुल के करा लड़ैया लक्ष्मण भैया हो।
स्वाभिमान के समर में भैया, अरे आगे बढ़ते जाना हो, अरे मनुवादी कौरव के ऊपर शिक्षा का बाण चलाना हो, अरे बहुजन के नैया का बना खे भैया लथी बड़े भैया हो, मनुवाद से खुल के करा अरे लड़ैया लक्ष्मण भैया हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए, पूरे भारत के लोग आपके साथ हैं। आल्हा में प्रमाण होगा हाय, अरे जैसे ललैया दौ सिंह अरे बन के क्रांति करिया भैया, पूरे भारत के मनवादियन से कहना हो जेपी यादव काका, अरे ये सारी न करी अलझमल पप्पा खांडी तिरवा, अरे कैला जसवा में अला नवा यादव कहिरावा, बहुजन समाज बाटे लक्ष्मण के संग हो, अरे 1585 वाला होई अब जंग हो, अरे मनुबोध के आगे ना झुकई है सिरवा, अरे कैल देशव में अला नवा यादव कहिरा, बिहारी गुरु गणेश का गजब रहा अंदाज, विमल चंद्रिका राम देव जी विरह के सिरताज, और ललकारा या जमकर का शेरवा, अरे